इसमें कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो ये मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल अवश्य निकाल लोगे। क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। राधे राधे। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहे, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। वाणी, मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट, ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा
कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है एक पात्र बनाते हुए? पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है। एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहां पर छिपी है एक सीख, सारे माता पिताओं के लिए यहां एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाए। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए, राधे राधे। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेले वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेले दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना कर, सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे, और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए, मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है, मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता। अब सोचिए यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं, तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा, क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं, इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए, आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए, आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा, आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं, अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये यात्रा संतान की भी, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने,
करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जा, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है, नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। अपने जो कुछ भी पाया, धन संपत्ति सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात करें? वो नाम जो हमने जन्म से पाए? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित किया। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाता है, ये तो जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंध, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन, यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाए तो वो है हमारे कर्मों का फल, वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, प्रयास करता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके हुए, और उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुकाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां देखी हो जो फल के बोझ के कारण झुक जाती है, वो फल टूटता है पुनः ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती है वो टूटता है पुनः ऊपर जाती है, सदैव झुकी हुई नहीं। कभी कभी चलते चलते आपने देखा होगा, कभी आपका पांव किसी पौधे पर पड़ जाए तो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही पांव हटाओ पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। स्मरण रखिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीती, सबको जीती है, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीती है प्रेम के समक्ष। राधे।
आज आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। कुछ समय पश्चात उसका मित्र आया, उसने वो शब्द पढ़े और फिर भी जाकर उससे मिला। उसने कहा कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख, ये मुझे पुकार अवश्य लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश यदि आप दुखी हो, समस्या का हल निकाल नहीं पा रहे हो, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही आपको कोई हल ना दे पाए, संबल बन के अवश्य रहता है। भले ही आपका दुख कम ना कर पाए, आशा की किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं, तब भी आपसे जुड़ा होता है आपका ये मित्र, ये सच्चा। अब मनुष्य जो है बड़े विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल दो बार ज्ञात होता है, एक मिलने से पूर्व, दो खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी तो होते हैं। यदि आज आपके मित्र आपके साथ हैं, तो उन्हें आभार व्यक्त करें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें खो दिया, पश्चाताप करने पर भी पुनः नहीं लौटेंगे। तो प्रेम कीजिए, मित्रता निभाइए और मेरे साथ आनंद से कहिए राधे राधे। ठहरती केवल यादें, केवल यादें, ये समय ये कभी नहीं ठहरता। अभी यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता, आपके कर्म फल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वहीं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं। स्मरण रखिए, आप चाहे जितने भी प्रयास कर लेके आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूल। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती। राधे। संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जानने हो, तो स्वयं की भावनाओं को व्यय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो, तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो, तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो, तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो, तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है, तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है, जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है, तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है, तो उसे निस्वार्थ परिशुद्ध प्रेम दीजिए। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीवा उसके साथ जन्म लेती है।
कुछ वर्षों पश्चात दांत आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती। कर दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं तो जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए चाहे चढ़ा, चाहे दुख आए चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से साहस के साथ उसका सामना कीजिए। राधे राधे। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पर एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाइए, ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए, आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना है, वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है, कोई मूर्ति के रूप में तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में तो कोई स्वभाव के रूप में, कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में, किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहले ही अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी मां। वही मां जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं, तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती है। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं, तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारे कार्य करती है ये मां जो ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी मां है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर मां में ईश्वर अवश्य होते हैं।
राधे राधे। कभी आपने देखा होगा दीपक तले अंधकार होता है, जो दीपक संसार को प्रकाश देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है, किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए, धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण, किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया, नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा, कुछ नहीं। बस इस संसार को प्रकाश देता है और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए, अपनी ये पहचान बिस्तरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाई। राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा, कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। इस समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। इस समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आया। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं,
इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है ये भी लंबी होने लगती है, ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और यह पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का यह स्तर बढ़ता जाता है, और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दब कर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे। भूल, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भूल ना की। भूल होती ही इसलिए ताकि हम भूल करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। किंतु वो व्यक्ति अपनी भूलों से कभी नहीं सीख पाएगा जिसने भूल को स्वीकार करना नहीं सीखा। मनुष्य कई बार अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, उससे कतराता है ये सोच के कि यदि उसने भूल स्वीकार कर ली, उसे सबके समक्ष जो है लज्जित होना होगा। वो जानता है कि उसने कहीं ना कहीं भूल की है, किंतु उसका ये दम ये उसे स्वीकार ही नहीं करने देता। अब वो भूल भूल ना सिद्ध हो, इसके लिए वो और भूले करता जाता है, और अंत में उसके हाथों में कुछ नहीं रह पाता, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपसे कोई भी भूल हो, उसे स्वीकार करने में देरी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये दम आपको इस मार्ग पर इतना आगे ले जाए कि पुनः लौट कर आ पाना ही असंभव हो जाए। राधे राधे। संबंध, ये संबंध चाहे मित्रता का हो चाहे हो प्रेम, इसका आधार है हृदय। अब इस हृदय की बात को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है शब्दों की। अब हम एक भूल कई बार कर जाते हैं, ये शब्द चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, इस पर ही हम संबंध को तोलने लगते हैं, किसी को संबंध समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। स्मरण रखिए, ये संबंध केवल और केवल हृदय से निभाए जाने चाहिए। जो शब्दों से निभाए जाए वो संबंध नहीं, और उसमें रोष केवल और केवल शब्दों में होना चाहिए, हृदय में नहीं। तो शब्दों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम कीजिए, इसे निभाइए, और मेरे साथ कहिए राधे राधे। समय बड़ा विचित्र है ना, ये समय कहा जाए तो एक भाव, एक संख्या, एक विषय। अब देखिए ना, सूर्योदय सबका एक साथ होता है, एंड किसी का आगे किसी का पीछे तो नहीं होता, सबका एक साथ। सूर्यास्त भी सबका एक साथ होता है। अब सोचिए, यही समय सबके लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए यही समय अच्छा है तो किसी के लिए यही समय बुरा है। अभी इसी क्षण किसी के मुख पर सफलता का तेज है तो किसी के मुख पर असफलता की निराशा। भला ऐसा क्यों? क्यों यह समय किसी के लिए श्रेष्ठ है, क्यों यह समय किसी को निराश करता? इसका उत्तर है आपकी सोच, आपके कर। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर, उसी के अनुरूप होगा आपका ये समय। आपको जीवन में सुख तभी मिलेगा जब आप किसी के मुख पर आशा की मुस्कान ला दें। आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप किसी को प्रसन्न करो। हाँ,
हर बार आपके वश में नहीं कि आप सबको प्रसन्नता दे पाओ, किंतु आपके वश में ये तो है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को निराश ना करो, और किसी को दुख ना पहुंचाने का ये प्रयास भी आपका कर्म ही तो है, और इस शुभ कर्म का फल आपको प्रकृति अवश्य दे। स्मरण रखिए, अच्छा समय उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा समय ना चाहे। राधे। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी केवल ऊपर उठना चाहते, ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहे। किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं, सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, वो समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितेशी कौन हैं, और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। राधे राधे। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर। और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना। एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए, आपके पास क्या क्या है? दो आंखें, दो कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं, दो हाथ हैं, यदि ये चाहें